हे यूट्यूब, मैं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका फ्लटर की एक और नई वीडियो में, जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने फ्लटर ऐप में इंटरनेट कनेक्टिविटी को कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सॉकेट एक्सेप्शन को यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि हमारा ऐप यानी कि हमारा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। फिर हम कनेक्टिविटी पैकेज को यूज़ करेंगे और सेम चीज़ को देखेंगे कि ये चीज़ हम कितनी आसानी से कर सकते हैं कनेक्टिविटी पैकेज के साथ। फिर हम ये देखेंगे कि दोनों की क्या खूबियाँ हैं या फिर क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं। फिर हम आगे ये चेक करेंगे कि हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम मोबाइल से कनेक्टेड है यानी कि मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है या फिर किसी वाईफाई से कनेक्टेड है। और एट द एंड हम एक स्ट्रीम लिसनर को यूज़ करेंगे जो कि कंटिन्यूसली चेंजेस के लिए लिसन करते रहेगा, ताकि अगर कोई ऐप यूज़ करते के दौरान भी इंटरनेट कनेक्टिविटी कट कर दे तो हमारे ऐप को पता चल जाए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये सब कुछ करने वाले हैं हम इसी वीडियो में काफ़ी आसानी से। बट इसके पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मुझे अपने ये 1.5 साल पुराना इंट्रो चलाने दिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन अप एंड रेडी है। मेरे पास एक टेक्स्ट विजिट है जहाँ पर स्टेटस और एक बटन है जो कि बोलता है चेक। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सॉकेट एक्सेप्शन को यूज़ करके अभी ये देखूँ कैसे इस बटन को क्लिक करके हम ये देख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं। सॉकेट एक्सेप्शन को यूज़ करने का जो पूरा तरीका है वो ये है कि हम एक वेबसाइट को लुकअप करेंगे। अगर हमें वो वेबसाइट से कोई डेटा मिल गया जिसका मतलब ये है कि कनेक्टेड है हम इंटरनेट से, और अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम कनेक्टेड नहीं है। तो लेट्स से कि मेरा एक फंक्शन है जिसे मैं नाम दे देता हूँ चेक कनेक्शन, और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होना चाहिए। तो हमें बोलना होगा यस वाई एन सी, जो इसका मतलब होगा एसिंक्रोनस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम ट्राई एंड फाइनल ट्राई एंड कैच ब्लॉक को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कुछ इंटरनेट से सर्च करने का, और अगर नहीं मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास कनेक्शन नहीं है। सो हम चेक करने वाले हैं, कुछ लुकअप को हम करने वाले हैं इंटरनेट को यूज़ करके। सो हम बोलेंगे अवेट इंटरनेट एड्रेस डॉट लुकअप, और जो होस्ट को हम चेक कर रहे हैं लेट्स से google.com। करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, और अब हमें उस रिजल्ट को एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है, फर्स्ट चीज़ कि हमारा रिजल्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इफ रिजल्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी। इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि जो रॉ एड्रेस होगा उसका वो भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम बोलेंगे रिजल्ट, एंड रिजल्ट एक अरे है तो रिजल्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें हम चेक करेंगे कि जो रॉ एड्रेस है वो भी एम्प्टी है या नहीं। अगर ये दोनों सही होगा यानी कि अगर ये दोनों एम्प्टी नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि कनेक्टेड है। मैं सिंपली बोल सकता हूँ प्रिंट कनेक्टेड, फाइन। बट अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हमें मिलेगा एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होगा, सॉकेट एक्सेप्शन। सो ऑन सॉकेट एक्सेप्शन, जिसे हम कैच करेंगे, और कैच करने के बाद हमें यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल अगर ये एक्सेप्शन में मिल रहा है इसका तो ये है कि नो कनेक्शन, फाइन। सेव करते हैं इसे। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ इस बटन क्लिक पर हो, तो डार्ट आयो ऑलरेडी पोर्ट हो चुका है। ध्यान देंगे एसिंक्रोनस फंक्शन है तो डार्ट आयो हमें चाहिए, और ये सब कुछ बटन क्लिक पे हो इसके लिए हमें इसे अपने इस बटन के ऑन प्रेस्ड के पास बोलना होगा। सो ऑन प्रेस्ड इस चीज़ को कॉल नहीं करके सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेगा। सो और हम एक्चुअली इन सारी चीज़ों को हटा भी सकते हैं, चेक और डन, सेव कर लेते हैं। अब आप अगर टर्मिनल पे ध्यान दें एक बार, तो अगर मैं क्लिक करूँगा चेक पे तो यहाँ पे मिल रहा है कनेक्टेड, फाइन, इंटरनेट से मैं कनेक्टेड हूँ। अगर मैं इसे डिसकनेक्ट कर दूँ, मैं क्लिक करूँगा चेक पे तो हमें मिल रहा है नो कनेक्शन अवेलेबल। काफ़ी सिंपल। हम यहाँ का भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं सेट स्टेट को यूज़ करके, बट अभी हम वो नहीं करेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं अपना दूसरा तरीका जो कि है कैसे हम कनेक्टिविटी पैकेज को यूज़ करके ये सेम काम कर सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो है कनेक्टिविटी पैकेज को यूज़ करना। अब ये प्लगइन क्या करता है, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी को डिस्कवर करने में हमारी मदद करता है, और साथ में ये सेलुलर और वाईफाई कनेक्शन के बीच में डिफरेंसेस भी बता सकता है कि कौन सा कनेक्शन फिलहाल अवेलेबल है। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डिपेंडेंसी में इस कोड को डालना होगा। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने ऐप में जाते हैं, pubspec.yaml फाइल में जाना है हमें यहाँ पे, और डिपेंडेंसीज में से नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे फ्लटर इस पैकेज को इंस्टॉल करेगा। अब अगर आप ये सब फर्स्ट बार कर रहे हैं तो गूगल यानी कि एंड्रॉयड का SDK भी कुछ चीज़ों को इंस्टॉल कर सकता है, तो ध्यान देंगे कि एंड्रॉयड SDK उन चीज़ों को इंस्टॉल करे तो आपको उसे होने देना है। ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे कनेक्टिविटी पैकेज मिल जाएगा।
तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पर ये लिस्टेड है रीडमी में जो फर्स्ट है, और इस सिंपल कोड को यूज़ करके हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मोबाइल है या फिर वाईफाई, या फिर वाईफाई है या फिर कोई भी नहीं है। अगर मैं इस सेम चीज़ को यहाँ पे कोड करके आपको दिखाऊं कि वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉकेट मेथड, और इसे हम पूरी तरह से कमेंट आउट कर देंगे ये पूरा कोड, क्योंकि हम इसे अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं। मैं सेम नेम से एक और फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, सो वी विल से वॉइड, और ये है मेरा फंक्शन। ये भी एसिंक्रोनस होगा, तो हम डार्ट आईओ को एज टू इज एज इट इज छोड़ देते हैं, बट हमें एक और पैकेज इंपोर्ट करना है जो कि हमने अभी भी इंस्टॉल किया है, वो है कनेक्टिविटी डॉट डॉट। इसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये भी एक ASYNC एक एसिंक्रोनस मेथड है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कनेक्टिविटी रिजल्ट चाहिए, तो बोलेंगे वार कनेक्ट रिजल्ट। ये सिंपल एक वेरिएबल है, और ये क्या होगा, हमें यहाँ पे अगेन एक वेट करते हुए एक चीज़ को चेक करना है, वो है कनेक्टिविटी पैकेज से कनेक्टिविटी डॉट चेक कनेक्टिविटी। अब ये हमें बताएगा कि कनेक्टिविटी है या नहीं, यानी कि ये सिंपली कनेक्टिविटी को चेक करके कनेक्टिविटी रिजल्ट जो हमारे वेरिएबल उसमें रिजल्ट को डाल देगा। अब यहाँ पे तीन पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला क्या है, सो अगर मैं बोलूँ पहला होगा नन, यानी कि कोई भी कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। वो कैसे मिलेगा, इफ़ कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, यानी कि कोई कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, प्रिंट करूँ नो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक वाईफाई कनेक्शन हो सकता है, तो एल्स इफ रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट वाईफाई, तो इसका मतलब होगा कि एक वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक मोबाइल कनेक्शन हो, सो अगर हम बोलें एल्स इफ कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट मोबाइल, तो इसका मतलब है कि ये एक मोबाइल कनेक्शन है। अगर मैं इसे सेव करूं और रिबिल्ड कर दे अपने एप्लीकेशन को, और अब अगर मैं इस पे चेक पे क्लिक करूंगा, तो हमें तीनों में से कोई ना कोई एक आउटपुट मिलना चाहिए। कंसोल पे हम ध्यान देते रहेंगे। अगर मैं क्लिक करता हूँ चेक पे, सो फिलहाल हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें एक एक्सेप्शन मिल रहा है, और वो ये है कि ये प्लग इन एक्सेप्शन नहीं है, हमें अपने इस ऐप को रीबिल्ड करना होगा एक्चुअली। रीबिल्ड करते हैं। तो अब अगर हम अपने इस बटन को क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं अभी जबकि कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, अगर मैं चेक करता हूँ तो हमें आउटपुट मिल रहा है नो कनेक्शन। अगर मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊँ तो हमें आउटपुट मिलेगा मोबाइल कनेक्शन, और अगर मैं वाईफाई से कनेक्ट हो जाऊँ तो हमें आउटपुट मिलेगा वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्ट होने देते हैं, अभी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, नो कनेक्शन। वाईफाई अब कनेक्टेड है, तो अब हमें मिलेगा वाईफाई। तो ये कनेक्टिविटी पैकेज को यूज़ करके हम काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं, और जो कनेक्शन अवेलेबल है वो मोबाइल है या फिर वाईफाई है। अब आता है स्ट्रीम लिजनर, यानी कि कंटिन्यूसली लिजन करते रहना डेटा चेंजेस के लिए, कि अगर मैं अभी यहाँ पर अचानक से वाईफाई बंद कर दूँ और लेट से यहाँ पर कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो हमारे ऐप को पता नहीं चलेगा, और ऐसे में एक्सेप्शन आ सकता है, एरर आ सकता है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे कंटिन्यूसली लिजन कर सकते हैं वाईफाई सब्सक्रिप्शन के लिए, और देख सकते हैं कि अगर कोई चेंजेस आए तो हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे चेंजेस आ चुका है। सो अगेन मैं यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं कनेक्टिविटी पैकेज, और ये सारा कोड भी हमें अभी कमेंट आउट कर देना है। अब हम जिस कोड को यूज़ करने वाले हैं वो क्या करेगा, वो ऐप को बिल्ड होने के साथ ही, ऐप इस विजिट के इनिशियल होने के साथ ही, इनिट होने के साथ ही वो उन चीज़ों को चेक करना स्टार्ट कर देगा। हम सेम पैकेज को यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टिविटी पैकेज में ही वो हमें मिलता है, हमें कोई दूसरा पैकेज को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होंगे कुछ वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल होगा एक स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, स्पेलिंग याद रखें STREAM सब्सक्रिप्शन, और इसे हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन। ओके कम ऑन TION कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन ब्लू इसलिए क्योंकि हमने अब तक इस वेरिएबल को यूज़ नहीं किया। दूसरा हमें चाहिए कनेक्टिविटी रिजल्ट जो कि कनेक्शन कंटिन्यूसली आते रहेगा, सो कनेक्टिविटी रिजल्ट जिसे मैं नाम दे देता हूँ ओल्ड रिजल्ट। ये बेसिकली ओल्ड रिजल्ट बताएगा, यानी कि पहले जो रिजल्ट था हमें वो बताएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम किसी बटन क्लिक का वेट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा इस ये विजिट इनिट हो तो ही हमें कुछ चीज़ें करनी है, और फिर हम
अगर वो जैसे वो बंद होगा तो हम डिस्पोज कर देंगे। वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ों का हमें यूज़ करना है, एक इनिट दूसरा डिस्पोज। सबसे पहले हम देखते हैं इनिट केस में हम क्या करेंगे। इनिट केस में जो हमें करना है सबसे पहले, तो हमें ओवरराइड करना होगा ओवरराइड, और जिस चीज़ को ओवरराइड कर रहे हैं वो है void init state, और यहाँ पे कैमल केसिंग पे ध्यान देंगे। अब इनिट स्टेट में सबसे पहले हमें कॉल करना है अपने सुपर के इनिट स्टेट को, सुपर डॉट इनिट स्टेट। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम अपना काम कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली में बताते रहेगा कि कोई कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं। सो कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन जो कि हमने ऊपर वेरिएबल डिस्क्राइब किया था, डिक्लेयर किया था, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कनेक्टिविटी, और सिर्फ कनेक्टिविटी, कम ऑन कनेक्टिविटी नॉट रिजल्ट, कनेक्टिविटी डॉट। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑन कनेक्टिविटी चेंज। जैसे ही कनेक्टिविटी चेंज होगी तो हमें लिजन करना है। लिजन करने के हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो लिजन करने में हमें जो चीज़ मिल रही है वो एक कॉल बैक देगा। तो कॉल बैक में सबसे पहले हम जिस चीज़ को एज एन इनपुट ले रहे हैं वो है कनेक्शन। ओके, मुझे अपने इस ऐप को नीचे डाल देना चाहिए। कनेक्टिविटी रिजल्ट CONNECTIVITY कनेक्टिविटी रिजल्ट, जिस जो और जो वेरिएबल हमारा होगा कनेक्टिविटी रिजल्ट का, यहाँ पे ये टेम्प वेरिएबल है। हमने ऊपर जो कनेक्टिविटी रिजल्ट वेरिएबल ओल्ड रिजल्ट डाला है वो नहीं, एक दूसरा रिजल्ट। सो मैं इसे बोल देता हूँ RDS नाउ, यानी कि जो रिजल्ट फिलहाल है वो। अब फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे लिजन करना है, ठीक है। तो अगेन एज यूजुअल हमें तीन ही ऑप्शन आएंगे, एक या कि हम की कनेक्टिविटी वाईफाई है या फिर फ़ोन है, लेकिन यहाँ पे हमें दो, पहले दो चीज़ों को चेक करना है, पहला कि हमारा अभी का कनेक्टिविटी क्या है और दूसरा हमारा पुराना कनेक्टिविटी क्या था। सिंपली यहाँ पे कहने मतलब ये है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अभी जो हमें कनेक्टिविटी मिलेगा रेस्ट नाउ, हम पहले इसे चेक करेंगे ये क्या है। अगर ये कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन हुआ, यानी कि अभी कोई कनेक्शन नहीं है, तो एल्स में हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है वो है कि प्रीवियस कनेक्टिविटी रिजल्ट क्या है। तो हम एल्स इफ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एल्स में चेक कर रहे हैं कि जो पहले का कनेक्टिविटी रिजल्ट था वो क्या था। सो एल्स इफ, और जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं वो है प्रीवियस रिजल्ट, सो ओल्ड रिजल्ट, और ये क्या था हम ये चेक कर लेते हैं। इफ ओल्ड रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन। दो चीज़ें यहाँ पर है, या तो अभी का नन होगा नहीं तो ओल्ड का नन होगा। ये कुछ ऐसा है कि या तो अभी हमारे पास कनेक्शन नहीं होगा या फिर पहले हमारे पास कनेक्शन नहीं होगा। तो अगर पहले का रिजल्ट नहीं है, यानी कि पहले हमारे पास कनेक्शन नहीं था, और अगर अभी का रिजल्ट नहीं है यानी कि अभी अभी किसी ने कनेक्शन चेंज कर दिया है, और ये सब करने के बाद लास्ट में हम जो हमारा पुराना कनेक्टिविटी रिजल्ट था उसे राइट नाउ से मैच कर दे रहे हैं, यानी कि पुराने कनेक्टिविटी रिजल्ट में अभी के कनेक्टिविटी रिजल्ट की वैल्यू को स्टोर कर दे रहे हैं। तो वो था ओल्ड रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट नाउ, फाइन। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉट कनेक्टेड, और नीचे वाले में बोल सकते हैं कि कनेक्टेड। अगर मैं लिखो प्रिंट कम ऑन नॉट कनेक्टेड, और नीचे वाले में हम बोलेंगे कनेक्टेड। अगर हम इसे सेव करें और अपने एमुलेटर को यहाँ पे लाएं, इसे रीबिल्ड करें यानी कि रीस्टार्ट करें, ओके, सो हमें एक एरर मिल रहा है ऑन प्रेस्ड चेक कनेक्शन, ये अवेलेबल नहीं है। सो इट्स ओके, हम अपने इस बटन के ऑन प्रेस्ड को एम्प्टी कर देना चाहिए। और अब ये सब करने के बाद ये क्या, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही ये इनिट होगा ये चीज़ों को चेक करना स्टार्ट कर देगा। चेंजेस के लिए हम वेट कर लेते हैं, हमें पहले ही दिख गया नॉट कनेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है नॉट कनेक्टेड। लेकिन अगर मैं मोबाइल डेटा ऑन कर दूँ तो खुद से बता दे रहा है कि कनेक्टेड। अगर मैं फिर से ऑफ कर दूँ हमें पता चल जा रहा है कि नॉट कनेक्टेड। अगर मैं वाईफाई ऑन कर दूँ, जैसे ही वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा हमें यहाँ पे दिख जाएगा कनेक्टेड, फाइन। सो ये कंटिन्यूसली स्ट्रीम को लिजन कर रहा और बता रहा है कि कनेक्शन अवेलेबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ करनी, जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि हम इनिट स्टेट में इसे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, वैसे हमें इसे डिस्पोज भी करना है, नहीं तो अगर हम किसी नेक्स्ट, अगर हम नेविगेट कर जाए किसी दूसरे स्क्रीन पे तो भी ये रन करते रहेगा, जो कि मेमोरी इश्यूज होगा और हमें एरर्स भी आ सकते हैं। सबसे पहले हमें फिर से ओवरराइड करना है, तो ओ वी आर आर डी ई कम ऑन ओवरराइड,
और फिर void dispose. अब ये सारे पहले के मेथड्स हैं, हमें बस हम इसी ने ओवरराइड कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास इनहेरिटेड है इसलिए. सो सुपर डॉट डिस्पोज यानी कि पहले पेरेंट क्लास के डिस्पोज मेथड को कॉल करना है और फिर वो सब करना है जो हम चाहते हैं, और वो है कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देना. फाइन, तो इससे क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे यानी कि नेविगेट करेंगे तो भी मेरा नहीं मिलेगा. और यहाँ पर सिंपल है, ये कनेक्शन को हमें बता रहा है, तो यहाँ पे अगर हम और चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि वाईफाई कनेक्शन या फिर मोबाइल कनेक्शन है. सो फुल एंड फाइनल अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट हमें पता चल रहा है कि ये ऐप कनेक्टेड नहीं है. अगर मैं मोबाइल डेटा ऑन करूं तो अब हमें ये बताएगा कि मोबाइल कनेक्शन अवेलेबल यानी कि मोबाइल कनेक्शन अवेलेबल है. और अगर मैं मोबाइल डेटा ऑफ करूं ये अगेन बोलेगा नॉट कनेक्टेड. अगर मैं वाईफाई ऑन करूं तो हमें बताना चाहिए कि वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है. अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा ये ऐप ओके वाईफाई कनेक्शन. यानी कि हमने फ्लटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करने के तीन तरीके सीख लिए, सॉकेट एक्सेप्शन या फिर कनेक्टिविटी चेक और एक कंटिन्यूस कनेक्टिविटी चेंज लिसनर जो कि कंटिन्यूसली चेक करते रहेगा कि कनेक्टिविटी चेंज हुई है या फिर नहीं हुई है. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके और भी बेहतर तरीके से एक नेटवर्क इमेज को फेच करने वाला एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम कैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी लूज़ होते हैं, ऐप को फोर्सफुली बंद कर सकते हैं यानी कि यूज़र को फोर्स कर सकते हैं कनेक्शन नहीं है ऐप बंद करो, और इंटरनेट कनेक्शन होने पर ही आपके बाकी प्रोसेस को कर सकते हैं. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम बनाएंगे फ्लटर का ये अमेजिंग प्रोजेक्ट.